भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितना ही दावा कर लें कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन असलियत में तो ये है कि उनके प्रदेश के स्कूलों की हालत बद से बदतर है, जिस वजह से बच्चे एक ही क्लास में बैठने के लिए मजबूर हैं। बच्चों के इतने संघर्ष के बावजूद भी शिक्षक क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री बताएं कि क्या वो इसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बोलेंगे? शिक्षा जगत की बदहाली से जुड़ा यह मामला तामिया का है, जहां प्राथमिक शाला भवन जर्जर हालत में है। हालात इतने खराब हैं कि उसमें बैठना मतलब किसी हादसे को न्योता देना जैसा होगा। जरा सोचिए उन मासूम बच्चों के बारे में जो इसी छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हालात सिर्फ भवन के जर्जर होने की नहीं है, भवन में शिक्षकों ने भी अपने रवैये से बच्चों की पढ़ाई को जर्जर कर रखा है। जी हां, बच्चे तो आते हैं मगर शिक्षकों के अते पते नहीं होते। जब इस बारे में शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी शिक्षकों का ही पक्ष लिया। जिन शिक्षकों को पढ़ाने के लिए चयनित किया गया उन्हें ट्रेनिंग के लिए कार्यालय बुला लिया गया था, इस वजह से वो विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था रही तो विद्यार्थी आगे बढ़ना तो दूर, विद्यालय जाना भी छोड़ देंगे। मुझे मिली जानकारी के अनुसार वहाँ किसी शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है और अभी वर्तमान में एफएलएम प्रशिक्षण संचालित है। अभी द्वितीय चरण का जो प्रशिक्षण कार्य 19 तारीख से संचालित है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार वहाँ जो मुख्य शाला भवन है थोड़ा क्षतिग्रस्त होने से कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार क्षतिग्रस्त भवनों में हमें शाला लगाने से मना कर दिया गया है। इसी कारण जो अतिरिक्त भवन कक्ष में शालाएं संचालित की जा रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।